हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 6, राइट? टुडे माय लेक्चर इज लेक्चर नंबर 7 एंड टुडे इज माय लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन माय लास्ट लेक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी, एंड्रोजेनिक प्लांट। ये सब मैं अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्मिक सीड। सो आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एंजियोस्पर्मिक सीड इन दिस लेक्चर। तो ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्मिक सीड, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, एंजियोस्पर्मिक सीड। तो व्हाट इज सीड एग्जैक्टली? यू नो, आपको मैंने बताया था कि जो ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट वॉल में, एंड ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और यू कैन से राइपन ओव्यूल। तो वी कैन इजिली डिफाइन सीड। तो सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और राइपन ओव्यूल। एंजियोस्पर्मिक सीड के बारे में आपने 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे इतना डिटेल में नहीं है। वहां पे आपने दो टाइप के सीड पढ़े, डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड, राइट? अभी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट सीड, सीड के बारे में, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद सीड्स की वायबिलिटी के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, राइट? इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन आल्सो आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो इसके बाद, तो ये मैंने बता दिया आपको, एंजियोस्पर्मिक सीड्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं या फिर राइपन्ड ओव्यूल होते हैं। सीड के जो मेन पार्ट होते हैं, सीड का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो सीड के स्ट्रक्चर की तरफ देखिए प्लीज। तो यहां पे तो जो मेजर पार्ट्स ऑफ सीड्स हैं, मेजर पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के जो मेजर पार्ट्स हैं, सबसे पहले इसमें आता है सीड कोट। सीड कोट के बाद आता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद आता है, सीड कोट हो गया आपका और एम्ब्रियो हो गया, तो मतलब ये, और इसके अलावा हमारा एक पार्ट हो रहे हैं कोटिलीडन्स। तो देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स ऑफ सीड, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड कोटिलेडन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीड कोट, देखिए ध्यान दीजिए, सीड कोट की बात करते हैं। सीड कोट क्या है? सीड कोट जो है ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सीड है। सीड की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर को आप सीड कोट कहते हैं। तो सीड कोट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सीड दैट यू कॉल्ड सीड कोट। तो सीड की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको आप सीड कोट कहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताए थे। एग्जैक्टली अगर हम बात करें सीड कोट की, सीड कोट इज मेड अप ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। यू नो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल। ऐसे ही आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सीड इज व्हाट? तो जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है ओव्यूल की, उसको आप इंटेग्यूमेंट कहते हैं, राइट? वही इंटेग्यूमेंट बाद में आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सीड में डेवलप हो जाते हैं, जिसको आप सीड कोट कहते हैं। तो इंटेग्यूमेंट से ही सीड कोट डेवलप होते हैं। तो इंटेग्यूमेंट से ही सीड कोट डेवलप होते हैं, इंटेग्यूमेंट से सीड कोट डेवलप होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेग्यूमेंट्स जो है वो सीड कोट में डेवलप हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ ओव्यूल्स में देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ ओव्यूल, एटैग्मिक ओव्यूल, यूनिटैग्मिक ओव्यूल एंड बाइटैग्मिक ओव्यूल। एटैग्मिक ओव्यूल जिसमें जिसमें इंटैग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं उनको एटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। यूनिटैग्मिक ओव्यूल जिसमें सिंगल इंटैग्मेंट प्रेजेंट होता है उसको यूनिटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं, एंड बाइटैग्मिक ओव्यूल जिसमें दो इंटैग्मेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बाइटैग्मिक ओव्यूल है। तो ऐसा ओव्यूल जिसमें दो इंटैग्मेंट प्रेजेंट होंगे उसमें सीड कोट भी दो होंगे। तो एक एवरेज जो सीड्स होते हैं वो मेनली बाइटैग्मिक होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सीड्स आर बाइटैग्मिक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो बाइटैग्मिक सीड्स है उसके अंदर दो सीड कोट होंगे। सीड कोट कौन कौन से हैं? सी सपोज दैट
जी हमारे पास एक सीड है, मैंने एक सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। सीड्स में दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर और दूसरी इनर लेयर। सो देयर आर टू लेयर्स ऑफ सीड। तो जो आउटर लेयर है उसको आप टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर को आप टेगमेन कहते हैं। तो सीड कोट, देयर आर बेसिकली टू सीड कोट। तो यहां पे दो सीड कोट्स हैं हमारे पास। सीड कोट्स में जो आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एक आउटर सीड कोट जिसको आप टेस्टा बोलते हैं, एक इनर सीड कोट जिसको आप टेगमेन बोलते हैं। तो आउटर इंट्यूगमेंट से टेस्टा बनता है, बाइटेगमिक ओव्यूल की बात कर रहा हूं, आउटर इंट्यूगमेंट से टेस्टा बनेगा और इनर इंट्यूगमेंट से टेगमेन बनेगा। तो ये आउटर सीड कोट है, दिस इज आउटर सीड कोट, एंड टेगमेन जो है वो इनर सीड कोट है। तो जो आउटर सीड कोट है, जो जिसको आप टेस्टा कहते हैं, दिस इज थिक एंड लेदरी। ये थिक एंड लेदरी है, ये जो सीड कोट है ये थिक होता है और लेदरी होता है। वहीं जो इनर सीड कोट है जिसको आप टैगमन कहते हैं, इनर सीड कोट इज पेपरी एंड मेम्ब्रेनस। ये मेम्ब्रेनस और पेपरी होता है, यानी कि ये थिन होता है। आउटर सीड कोट थिक एंड लेदरी है, इनर सीड कोट टैगमन इज मेम्ब्रेनस एंड पेपरी, राइट। तो ये हो गया आपका सीड कोट। सीड कोट के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वह है इम्ब्रियो, ध्यान दीजिए। अगर इम्ब्रियो की हम बात करें सीड कोट में, इम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर होता है सी। सपोज दैट ये हमारे पास एक डाइकोट सीड है, और इस डाइकोट सीड में ये हमारे पास, ध्यान दीजिए, सीड कोट, ये डाइकोट सीड है, ये साइड में आपको दो कोटिलेडन्स नजर आ रहे हैं, दिस इज कोटिलेडन, एंड ये जो आपको सेंटर में जो नजर आ रहा है ये प्लूम्यूल, और यहां पे ये रेडिकल। जर्मिनेशन के बाद प्लूम्यूल रूट अपेक्स में डेवलप हो जाता है, रेडिकल रूट अपेक्स में डेवलप हो जाता है। तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये जो सेंटर वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो ऑफ सीड। ये सीड का एम्ब्रियो है, आर यू गेटिंग ऑन नॉट। इसके बाद कोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स ये दो साइड में आप जो देख रहे हैं ये कोटिलेडन्स है। कोटिलेडन का जो मेन काम होता है ये रिजर्व द फूड, ये फूड को रिजर्व करते हैं। एंडोस्पर्म भी फूड रिजर्व करता है, कोटिलेडन भी फूड रिजर्व करता है, और यही फूड बाद में सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, जब तक एक सीड से रेडिकल से प्राइमरी रूट की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, तब तक ये कोटिलेडन्स में जो फूड स्टोर है वो उसको नरिश करता है। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे नरिशमेंट का काम करते हैं कोटिलेडन्स। तो कोटिलेडन्स क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ये काम है कोटिलेडन्स का। नाउ सी दी अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड। तो सीड्स के कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा इफ यू ऑब्जर्व ए राजमा सीड, अगर आप एक राजमा सीड या देखते हैं या कोई ऐसा सीड देखते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज, कोई यू नो बीन सीड देखते हैं, तो उसका मैं स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। ये सपोज दैट आपके पास किडनी शेप होता है, ये राजमा सीड किडनी शेप है, सपोज दैट दिस इज किडनी शेप, राइट। तो ये किडनी शेप स्ट्रक्चर है, इसका हम साइड वाला व्यू बनाते हैं, देखिए यहां से, यानी कि यहां का जो व्यू है, ये सीड में यहां पे सबसे ऊपर होता है हाइलम। हाइलम आपको पता है दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ ओवम, सॉरी ओव्यूल। ओव्यूल के साथ फ्यूनिकल के जो अटैचमेंट का पॉइंट होता है उसको आप हाइलम कहते हैं। सीड में ये अलग से ही नजर आ जाता है। तो हाइलम जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये साइड व्यू है, दिस इज साइड व्यू ऑफ सीड। वहीं यहां पे माइक्रोपाइल भी होता है, तो जो माइक्रोपाइल रीजन है वो एक स्मॉल पोर होता है, दिस इज द माइक्रोपाइल रीजन, ये माइक्रोपाइल है, और ये माइक्रोपाइल जो है दिस इज स्मॉल पोर, ये स्मॉल पोर है, यहां से वाटर की एंट्री होती है एक सीड में जर्मिनेशन के टाइम पे। तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, क्योंकि सीड पूरा जो प्रोटेक्टेड होता है, सीड कॉर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, और वहां से वाटर के लिए वो जनरली कभी कभी वो इम्प्रीवियस होता है, यानी कि वाटर वहां से एंटर नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है वहां से वाटर एंटर करेगा, और वाटर एंटर करने के बाद माइक्रोपाइल ओपनिंग से सीड्स के अंदर फिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग ऑन नॉट। तो यहां पे इस माइक्रोपाइल का काम क्या है, दिस इज स्मॉल पोर और ओपनिंग इन सीड, राइट। यहां से वाटर एंटर करता है, एंट्री ऑफ वाटर होती है यहां से।
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैंने आपको सीड्स जो बताए थे, आपने पढ़ा भी होगा डाइकोट और मोनोकोट, दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक डाइकोट होता है दूसरा मोनोकोट होता है। डाइकोट में दो कोटिलेडंस होते हैं, मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडंस होता है। डाइकोट में जनरली जो फूड रिजर्व रहता है वो कोटिलेडंस में रहता है, फूड जो रिजर्व होता है कोटिलेडंस में होता है, जो कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे काम आता है। वहीं जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स में जो फूड रिजर्व होता है वो एंडोस्पर्म में होता है। मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द मोनोकोट सीड इज एंडोस्पर्म, जिसमें कि फूड स्टोर होता है, और सीड जर्मिनेशन के टाइम पे वही एंडोस्पर्म काम आता है। आर यू गेटिंग और नॉट? नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। तो एक यहाँ पे कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म में भी रिजर्व होता है फूड, रिजर्व द फूड, एंडोस्पर्म फूड रिजर्व करता है, एंड दैट एंडोस्पर्म राइट प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ, प्रोवाइड नरिशमेंट एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सी, आपने देखा होगा ग्राम सीड, एक बार मैं ग्राम सीड का स्ट्रक्चर और आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड। इफ यू हैव ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड, तो ग्राम सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड। ग्राम सीड के ऊपर सीड कोट होता है, दिस इज सीड कोट। जब इस ग्राम सीड को कभी आप ओपन करके देखते हैं तो ओपन करके आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नजर आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ किया था, या जर्मिनेशन के टाइम पे ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं दोनों कोटिलेडंस हैं, और ये कोटिलेडन फूड रिस्टोर करता है, जर्मिनेशन के टाइम पे काम आता है। दिस इज प्यूब्यूल एंड दिस इज रेडिकल। यू नो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन एक चीज मैंने बताया था आपको, एंडोस्पर्म का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ये होता है। एंडोस्पर्म क्या काम करता है? एंडोस्पर्म एक काम करता है, वो नरिश करता है डेवलपिंग इम्ब्रियो को। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें इम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिसमें कि पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हो पाता है, और वो एंडोस्पर्म जो है रिमेन प्रेजेंट एट द मेच्योरिटी ऑफ सीड। सीड्स की मेच्योरिटी के टाइम पे भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। वन इज एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को आप एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं, एल्बुमिनस सीड्स। वही दूसरा जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को आप एक्स एल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को आप एक्स एल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं। तो यहां पे जो एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड्स हैं, इनका क्या रोल है? एंडोस्पर्मिक सीड्स और एल्बुमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। वहीं जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है और एक्स एल्बुमिनस सीड्स हैं, इनमें एंडोस्पर्म, इन सीड्स में एंडोस्पर्म जनरली अब्सेंट होता है। तो ऐसे सीड्स जहां पे एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, और ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल मैं आप बता देता हूं। ए मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड्स, तो जो मोनोकोटिलेडन सीड्स होते हैं, मोनोकोटिलेडन सीड्स वो जो है नॉन एंडोस्पर्मिक, सॉरी एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि उनका एंडोस्पर्म रिमेन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो मोनोकोट्स में मेनली एंडोस्पर्म मेच्योरिटी के टाइम पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए मोनोकोटिलेडन सीड्स जो होते हैं वो जनरली एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। लेकिन एक डाइकोट सीड भी ऐसा है जो कि एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मोनोकोट सीड्स जो होते हैं वो मेनली एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, वहीं जो डाइकोट सीड होते हैं, डाइकोट सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, राइट? डाइकोट सीड्स में जो फूड स्टोरेज होता है वो कोटिलेडंस में होता है, और ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और ये क्या होते हैं? मेनली डाइकोट सीड होते हैं। एक डाइकोट सीड ऐसा भी है जो कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कंज्यूम नहीं कर पाता, एंड दैट इज द एक्सेप्शन हियर। उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कैस्टर सीड। कैस्टर सीड एक डाइकोट है,
लेकिन ये एंडोस्पर्म के टाइम पे, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाता, जबकि बाकी अदर डाइकोट सीड्स जो है एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं, और कंज्यूम करने के बाद उनके पास नो फ्री एंडोस्पर्म, यानी कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड्स हो जाते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ सीड्स। वन मोर सीड इज ऑल्सो देयर, मैं आपको बता दूं। एक सीड होता है जिसको आप कहते हैं पेरिस्पर्म, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पेस बचा है मेरे पास, पेरिस्पर्म। यू नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एंडोस्पर्म का तो यूटिलाइजेशन हो ही जाता है, एंडोस्पर्म तो कंज्यूम हो ही जाता है, साथ ही साथ जो सराउंडिंग टिश्यू होता है ओव्यूल में, जिसको आप न्यूसिलस कहते हैं, राइट, वो भी कंज्यूम हो जाता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मेनली एंडोस्पर्म तो कंज्यूम होता ही है, साथ के साथ जो न्यूट्रिटिव टिश्यू न्यूसिलस है वो भी कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि मेनली जिसमें क्या होता है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि न्यूसिलस मेच्योरिटी के टाइम पे भी प्रेजेंट रहता है, न्यूसिलस पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाता, ऐसे सीड्स पेरिस्पर्म कहते हैं। तो सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें न्यूसिलस रिमेन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के टाइम पे न्यूसिलस प्रेजेंट रहता है, न्यूसिलस रिमेन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, ऐसे सीड्स को पेरिस्पर्म कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है काली मिर्च, जिसको आप ब्लैक पीपर भी बोलते हैं, काली मिर्च जो है ब्लैक पीपर इज द एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्म सीड्स। तो इसी, दिस इज ऑल अबाउट सीड स्ट्रक्चर, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वियबिलिटी ऑफ सीड। व्हाट इज वियबिलिटी ऑफ सीड एग्जैक्टली, लिसन केयरफुली। So, viability of seeds से अगर हम बात करें, जैसे viability of pollen grain मैंने आपको बताया था, ability of germination, मतलब एक तरीके की germination करने की जो ability होती है जिस period में एक seeds की, उसको viability period कहा जाता है। ऐसी pollen grain में भी आपने, आपको मैंने पढ़ाया था, सही। viability of seeds, viability of seeds का मतलब है this is the ability of germination, right? एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, दैट यू कॉल्ड वियबिलिटी। तो कुछ सीड्स में एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जल्दी खत्म हो जाती है, कुछ सीड्स में एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन लेट से जाती है। आर यू गेटिंग नॉट? तो ये वियबिलिटी जो है सीड्स टू सीड्स वेरी करती है। तो वियबिलिटी, दिस इज द पीरियड ऑफ जर्मिनेशन। तो वियबिलिटी का जो पीरियड है वो अलग अलग होता है, जर्मिनेशन का जो पीरियड है वो सब में अलग 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 होता है, सभी सीड्स का अलग अलग होता है। कुछ सीड्स में ऐसा होता है ये 4 months के लिए भी हो सकता है, 4 years के लिए भी हो सकता है, एंड इवन फॉर 100 years के लिए भी हो सकता है। इससे कुछ एग्जाम्पल्स है जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन से सीड्स की कितनी वियबिलिटी होती है, यानी कि कितनी ड्यूरेशन तक उसका जर्मिनेशन पॉसिबल है। अगर उस ड्यूरेशन से ज्यादा ड्यूरेशन हो जाएगी सीड्स की तो जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सीड्स का जर्मिनेशन ड्यूरेशन फिक्स होता है, सभी ये डिफरेंट सीड्स का डिफरेंट जर्मिनेशन पीरियड होता है, वियबिलिटी पीरियड होता है, और सभी का अपना अपना फिक्स होता है। अगर उससे ज्यादा पीरियड एक्सटेंड होगा तो सीड्स विल नॉट एबल टू जर्मिनेट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, इसका एग्जांपल है जैसे कि डेट पाम का जो जर्मिनेशन पीरियड होता है 2000 ईयर्स, यानी कि विद इन द रेंज ऑफ 2000 ईयर्स सीड्स ऑफ द डेट पाम कैन जर्मिनेट। इसके अलावा लोटस, तो लोटस प्लांट है, उनके जो सीड्स जर्मिनेट करते हैं उसका जो वियबिलिटी पीरियड होता है 1000 ईयर्स। लोटस के सीड्स का जो वियबिलिटी है वो 1000 ईयर्स के लिए होता है, और सबसे ज्यादा अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है वियबिलिटी, वो किया गया है ल्यूपिनस आर्कटिकस। इसको ल्यूपिनस आर्कटिकस भी कहा जाता है, या फिर ये कहिए ल्यूपिन। तो ल्यूपिन प्लांट के जो सीड्स हैं उनका जो वियबिलिटी पीरियड है वो 10,000 ईयर्स है। कितना है भाई? 10,000 ईयर मैक्सिमम वियबिलिटी प्लांट ऑफ दिस सीड्स, 10,000 ईयर्स। 10,000 ईयर्स इसका वियबिलिटी पीरियड है, अभी तक का मैक्सिमम वियबिलिटी पीरियड है ल्यूपिनस प्लांट का, यानी कि ल्यूपिन का, और ल्यूपिनस आर्कटिकस भी बोलते हैं उसको। सो दिस इज ऑल अबाउट द वियबिलिटी ऑफ सीड। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। अगला है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग
सीड जर्मिनेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सी फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन की, तो सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट होते हैं। जब तक एक सीड को फेवरेबल फैक्टर्स यानी कि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसको नहीं मिलेगी, तब तक उसका जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत जरूरी है, और जब तक उसको फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक सीड जर्मिनेशन विल नॉट बी पॉसिबल। तो सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। आई एम टेलिंग यू सी फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। नंबर वन, मॉइस्चर। नंबर टू, ऑक्सीजन। नंबर थ्री, टेम्परेचर। नंबर फोर, सनलाइट। नंबर फाइव, वाटर। वाटर मॉइस्चर में लिया जाता है, ठीक है। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सीड जर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉइस्चर की बात करते हैं। मॉइस्चर इज वेरी एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, राइट। आपने खेतों में सीड्स की बुआई कर दी है, सीड को सोन कर दिया है एग्रीकल्चरल फील्ड में, लेकिन उनको पानी की अगर सप्लाई नहीं होगी तो सीड्स का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो वाटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, राइट। सीड में नॉर्मली जब सीड एक नॉर्मल स्टेज में होता है, नॉट एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, नॉर्मली सीड्स में जो वाटर का लेवल होता है वो 10-15% होता है, लेकिन सीड जर्मिनेशन के टाइम पे उसकी जो वाटर डिमांड है वो बढ़ जाती है। 75-90% तक सीड्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यू नो, वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से सीड्स कोट भी ब्रेक हो जाते हैं। सीड्स कोट ब्रेक होने के बाद वहां पे ऑक्सीजन को भी वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन, क्योंकि वाटर प्रमोट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीड्स। सीड्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है वाटर। तो मॉइस्चर और वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन। एंड द ऑप्टिमम रेंज ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, 75-90% वाटर इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, बिकॉज दिस वाटर विल एब्जॉर्ब बाय द सीड्स एंड ब्रेक दैट रिजल्ट्स टू ब्रेक डाउन द सीड कोट एंड इवन दैट सरफेस बिकम परमेबल फॉर द ऑक्सीजन ऑल्सो, एंड ऑक्सीजन विल स्टार्ट टू एब्जॉर्ब। एंड बिसाइड यू नो, इफ यू थिंक ऑफ इट दैट सीड्स कैन जर्मिनेट विदाउट वाटर, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो विदाउट वाटर सीड्स जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो मॉइस्चर इज वेरी एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन। इसके बाद दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल सीड जर्मिनेशन फैक्टर, जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कभी किसी किसान को खेती करते हुए, किसान जब खेती करता है, जो क्रॉप सीड्स होता है, क्रॉप सीड्स की जब वो बुआई करता है, यानी कि क्रॉप सीड्स को जब वो जमीन में डालता है, उनको उनकी सोनिंग करता है, तो एट द टाइम ऑफ सोनिंग ऑफ दी सीड्स, राइट, वो ध्यान रखता है कि ये जो सीड्स हैं ज्यादा डीप सॉइल में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा डीप सॉइल में अगर सीड्स को गाड़ दिया जाएगा, ज्यादा डीप सॉइल में सीड्स को डाल दिया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, डीप सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। सॉइल की अपर लेयर इज सॉइल की अपर लेयर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप सीड्स यू नो सोन अप टू दी 5-7 सेंटीमीटर। कितना, 5-7 सेंटीमीटर, 5-7 सेंटीमीटर की रेंज तक ही जो सीड्स को डाला जाता है मिट्टी के अंदर, उसको ज्यादा डेप्थ में नहीं डाला जाता, नहीं तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। और ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर दी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ सीड्स। सीड्स में जब मेटाबॉलिक बढ़ती है जर्मिनेशन के टाइम पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होगी। बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए के सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, प्लांट ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए बेसिक नेसेसिटी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द सीड जर्मिनेशन। यू नो, सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होता, एक लोअर टेम्परेचर पे सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। लोअर टेम्परेचर पे एंजाइम्स एक्टिव नहीं होते, हायर टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीजनरेट हो जाते हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल नॉट एबल टू परफॉर्म एट द वेरी लोअर टेम्परेचर इवन एट द वेरी हायर टेम्परेचर। तो सीड्स को जर्मिनेशन करने के लिए
प्लांट्स सीड्स नीड ए ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना चाहिए सीड्स को, एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए 20-25 डिग्री सेल्सियस। बाकी ये सीड्स प्लांट्स टू प्लांट डिपेंड भी करता है, बट एवरेज जो टेम्परेचर है सीड्स के जर्मिनेशन के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर टेम्परेचर इतना कम और इतना ज्यादा हो जाता है तो सीड्स का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है सीड्स में वो उसके लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हमारा सनलाइट, अगर हम सनलाइट की बात करें, सनलाइट लाइट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। इन मेजोरिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, याद रहे, इन मेजोरिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। इन अब्सेंस ऑफ लाइट सीड जर्मिनेशन इज वेरी फास्ट। इन मेजोरिटी ऑफ सीड्स लाइट की एब्सेंस में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ सीड्स लाइट की एब्सेंस में सीड जर्मिनेशन फास्ट हो जाता है, सीड जर्मिनेशन लाइट की एब्सेंस में फास्ट हो जाता है। बट कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में सीड जर्मिनेशन को शो करते हैं, यानी कि जहां पे लाइट होगी वहां पे उनका जर्मिनेशन होगा और बिना लाइट के उनका जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे सीड्स को आप फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। फोटोब्लास्टिक सीड्स किसको कहा जाता है, फोटोब्लास्टिक सीड्स कहा जाता है सीड्स रिक्वायर्ड लाइट, ऐसे सीड्स जिनको लाइट रिक्वायर्ड होती है फॉर व्हाट, फॉर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए जिनको लाइट की जरूरत होती है ऐसे सीड्स को आप फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। और फोटोब्लास्टिक सीड्स के जो एग्जांपल है वो है टोबैको, टोबैको एक फोटोब्लास्टिक सीड है भाई। ऑर्चिड्स जो है वो भी फोटोब्लास्टिक सीड है, यानी कि ये ऐसे सीड्स हैं एक्सेप्शनली जो कि लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेशन को शो करते हैं। अदरवाइज जितने भी सीड्स होते हैं लाइट के एब्सेंस में जर्मिनेशन उनमें फास्ट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट दी जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन कितने टाइप के होते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, types of seed germination, अगर बात करें types of seed germination की, seed germination कितने type के हैं, ये भी बहुत ही आसान topic है, मैं बता देता हूं आपको। number one is hypogeal germination, number two is epigeal germination, number three is viviparous germination। So there are basically three types of seed germination, hypogeal seed germination, epigeal seed germination and viviparous seed germination। सबसे पहले हम बात करते हैं epigeal की बात करते हैं। चलिए epigeal seed germination की अगर हम बात करें तो epigeal seed germination में होता क्या है, epigeal seed germination में germination के टाइम पे जो कोटिलेडन है वो सॉइल से बाहर आ जाता है, जो अंडरग्राउंड कोटिलेडन है वो सोइल से बाहर आ जाता है ड्यू टू दी फास्ट ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। यू नो एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन ज्यादा होने की वजह से कोटिलेडन जो है सोइल से बाहर निकल आते हैं। इस टाइप के जर्मिनेशन को आप हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इन दिस केस कोटिलेडन जो है वो क्या होते हैं, कम आउट फ्रॉम सोइल, सोइल से बाहर निकल जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें फास्टर ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल होती है, फास्टर ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल होती है, राइट। ए मेजोरिटी ऑफ डाइकोट सीड्स में एपिजियल जर्मिनेशन होता है, कुछ डाइकोट सीड में हाइपोजियल जर्मिनेशन भी होता है, राइट। तो यहां पे जो सीड्स हैं इस केस में एपिजियल सीड जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल की फास्टर ग्रोथ होती है जिससे कोटिलेडन सॉइल से बाहर आ जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कि सॉइल से बाहर आने के बाद कोटिलेडन बिकम ग्रीन एंड लीफी लाइक स्ट्रक्चर और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इन सर्टेन प्लांट्स जब ये कोटिलेडन सॉइल से बाहर आ जाते हैं तो दीज बिकम ग्रीन एंड लीफी स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं इन सम प्लांट्स, बट इन सम प्लांट्स ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टैमरिन। टैमरिन में जैसे ही कोटिलेडन बाहर आते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, आर यू गेटिंग ऑन आउट। ऐसे ही
आपका फ्रेंच बीन है उसमें भी कोटिलेडन्स बाहर आता है तो नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कोटिलेडन बाहर आता है और वो लीफी स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। आर यू गेटिंग ऑन नोट? तो एपिजियल जर्मिनेशन जिसमें कोटिलेडन सॉइल से बाहर आ जाते हैं, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ फास्टर होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी देखा भी होगा आपने स्ट्रक्चर में, बता देता हूँ आपको एक बार, ये कोटिलेडन्स है, ये रूट है, ये एपिकोटाइल रीजन है, एपिकोटाइल की यहाँ पे स्लो ग्रोथ होती है और हाइपोकोटाइल की यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है। तो फास्टर ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल की वजह से ये कोटिलेडन बाहर निकल आए, ये कोटिलेडन कहाँ निकल आए, बाहर निकल आए। तो कुछ प्लांट्स में फॉल ऑफ हो जाते हैं और कुछ प्लांट्स में दीज बिकम लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्टार्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि टैमरिंड है, पपाया है, फ्रेंच बीन है, फ्रेंच बीन है, कॉटन है, ये सब एग्जांपल है एपिजियल जर्मिनेशन के। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हमारा हम बात करते हैं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। ये एपिजियल जर्मिनेशन हो गया, इसके बाद हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं। हाइपोजियल अपोजिट टू दिस, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में होता क्या है? हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन में एपिकोटाइल की ग्रोथ फास्ट होती है और एपिकोटाइल की ग्रोथ फास्ट होने की वजह से सीड्स कोटिलेडन जो है रिमेन इनसाइड द सोइल, कोटिलेडन अंडरग्राउंड ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, बस वेरी सिंपल। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में कोटिलेडन अंडरग्राउंड ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, और यहां पे एपिकोटाइल की ग्रोथ जो है फास्टर होती है, ग्रोथ एपिकोटाइल जो ग्रोथ है, एपिकोटाइल ग्रोथ इज फास्टर, यहां पे एपिकोटाइल की ग्रोथ फास्ट हो जाती है और कोटिलेडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, कोटिलेडन्स अंडरग्राउंड भी रहते हैं और एपिकोटाइल की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है, फास्टर हो जाती है एपिकोटाइल की ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन, इसको आप हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन कहते हैं। इसके बाद है हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन हो गया, इसके बाद लास्ट वन इज, इसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूं आपको, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राम, ग्राम में हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन होता है, इवन ए मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स में भी हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन होता है। इसके बाद है लास्ट वन इज वीवीपेरस सीड जर्मिनेशन। वीवीपेरस सीड जर्मिनेशन कौन से प्लांट्स होते हैं में होता है? वीवीपेरस सीड जर्मिनेशन मेनली मैनग्रूव्स प्लांट में होता है। कौन से प्लांट्स में होता है? मैनग्रूव्स प्लांट में होता है, ऐसे प्लांट जो कि हाईली सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं, राइट? मैनग्रूव प्लांट्स जो होते हैं वो हाईली सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हाईली सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं, और मैनग्रूव प्लांट्स के सीड्स जो है उस सेलिनिटी में वियबल, उनकी उनका जर्मिनेशन ही पॉसिबल नहीं है, वो वियबल नहीं हो पाएंगे उस सेलिनिटी के अंदर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सीड्स जो है फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाते हैं। इफ सीड्स जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट दैट यू ऑल्सो बी नोन एज इन सीटू जर्मिनेशन। तो वीवीपेरस जर्मिनेशन को आप इन सीटू जर्मिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक प्लेस इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट्स में ही सीड जर्मिनेशन टेक प्लेस कर जाता है वीवीपेरस सीड जर्मिनेशन में। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? तो वीवीपेरस सीड जर्मिनेशन में ये जो सीड्स का जो जर्मिनेशन है दैट टेक प्लेस इनसाइड द फ्रूट, वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है, राइट? क्योंकि वो बाहर तो जर्मिनेट कर नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर वो निकलेगा, अगर फ्रूट से बाहर आएगा सॉल्टी कंडीशन के अंदर वो जाएगा, क्योंकि ये हाईली सैलाइन कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तो हाईली सैलिनिटी के अंदर वो ज्यादा सैलिनिटी के अंदर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है। तो इसलिए इसको इंस्टीट्यूट जर्मिनेशन भी बोलते हैं, वीवीपेरस जर्मिनेशन भी बोलते हैं। अभी मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डू यू नो द एग्जांपल ऑफ एनी मैनग्रूव प्लांट? आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सोच लीजिए, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ये जो मैनग्रूव प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट? मैनग्रूव प्लांट में कुछ तरह के रूट एडेप्टेशन भी होते हैं। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? आपने पढ़ा होगा, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोफोरा, आपने पढ़ा होगा, उसमें वर्टिकली रूट ग्रो कर जाती हैं, बाहर निकल जाती है और वहां से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, तो उसका एग्जांपल है राइजोफोरा।
राइट जी। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज डन। इसके बाद मैं बात करता हूँ डोरमेंसी ऑफ सीड की। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोरमेंसी ऑफ सीड इन डिटेल। ध्यान दीजिए, सी माय नेक्स्ट टॉपिक, सीड डोरमेंसी। ध्यान दीजिए प्लीज, सीड डोरमेंसी एग्जैक्टली है क्या? ध्यान दीजिए, सीड डोरमेंसी को वी कैन इजिली डिफाइन, दिस इज द पीरियड बिटवीन मैच्यूरेशन एंड जर्मिनेशन, दैट वी कॉल्ड सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी इज द पीरियड बिटवीन मैच्यूरेशन एंड जर्मिनेशन, दिस इज द पीरियड बिटवीन मैच्यूरेशन ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जर्मिनेशन और मैच्यूरेशन के बीच का जो पीरियड है उसको आप सीड डोरमेंसी कहते हैं। और इवन यू कैन से दिस इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड। भाई प्लांट्स में सीड्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन सीड्स को डेवलप होने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए। जब तक उसको फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाएगा। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड, ये सीड की रेस्टिंग स्टेज भी होती है, राइट? दिस इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड, रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड, राइट? तो रेस्टिंग स्टेज ऑफ सीड को भी सीड डोरमेंसी ही कहा जाता है। एंड व्हाई सीड्स अंडरगोज इन डोरमेंसी, सीड्स में डोरमेंसी क्यों होती है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या रीजन है कि सीड्स में डोरमेंसी हो जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द मेजर रीजंस, तो मेजर रीजंस में मैं आपको मेन रीजंस बता देता हूँ, मेजर रीजंस बता देता हूँ मैं आपको। नंबर वन है थिक सीड कोट, नंबर टू डोरमेंट एम्ब्रियो, नंबर थ्री जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। ये मेनली थ्री रीजंस हैं जिसकी वजह से सीड्स में डोरमेंसी हो जाती है, बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से तो डोरमेंसी होती ही है। तो नंबर वन इज थिक सीड कोट। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके सीड कोट्स काफी थिक होते हैं और सीड कोट्स में लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है। अगर सीड कोट में लिग्निन डिपोजिशन हो जाएगा तो सीड को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अगर सीड कोट कंप्लीटली लिग्निन से कवर्ड है, सीड कंप्लीटली लिग्निन से कवर्ड है, सीड कोट से कवर्ड है, सीड कोट किससे बना है, लिग्निन से बना है, तो लिग्निन से बना हुआ सीड कोट जो होता है दैट बिकम इम्परमेबल फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन। ऐसे केस में सीड जो है इम्परमेबल हो जाएगा वाटर के लिए और ऑक्सीजन के लिए, और अगर सीड वाटर और ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल हो गया तो वो सीड्स में जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में हमें इस लिग्निन की कवरिंग को हटाना होगा, और लिग्निन की कवरिंग को कैसे हटाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले थिक सीड कोट की बात करते हैं। थिक सीड कोट कैसे डेवलप होता है? थिक सीड कोट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन होता है सीड कोट में, और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर एंड ऑक्सीजन की एंट्री रुक जाती है, अगर वाटर एंड ऑक्सीजन की एंट्री रुक जाती है यहां पे, तो उससे क्या होगा, उससे सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक वाटर एंड ऑक्सीजन एंटर नहीं करता है। इसके बाद इस लिग्निन के कोट को ब्रेक करने के लिए यू कैन सिंपल एडॉप्ट सर्टेन मेथड्स, जैसे कि आप लिग्निन के कोट को रिमूव कर सकते हैं, उसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको रबिंग कीजिए। अगर आप उसको रब करेंगे तो लिग्निन का कवर या तो थिन हो जाएगा या फिर वो ब्रेक हो जाएगा, या फिर उसको एक, या फिर एक काम कीजिए, किसी भी पिनिंग ऑब्जेक्ट से उस सीड कोट में एक होल क्रिएट कर दीजिए। उस सीड कोट में जैसे आप एक होल क्रिएट करेंगे पिनिंग ऑब्जेक्ट से, तो उस होल के जरिए वाटर एंड ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगा और सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। ये भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक मेथड और अप्लाई कर सकते हैं सीड कोट को रिमूव करने के लिए, हाइड्रो H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दीजिए सीड कोट पे, सीड कोट जो है डीजनरेट ब्रेक हो जाएगा, और सीड कोट जब ब्रेक हो जाएगा तो सीड जर्मिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा है हमारा रीजन डोरमेंट एम्ब्रियो। अगर डोरमेंट एम्ब्रियो की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डोरमेंट एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सीड्स तो मेच्योर हो गया है, सीड तो राइप हो गया है, लेकिन उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो अभी मेच्योर है,
यानी कि वो जो है इम्ब्रियो जो है वो मेच्योर नहीं हुआ है, ऐसे इम्ब्रियो को आप डोरमेंट इम्ब्रियो कहते हैं। ऐसा जनरली देखा जाता है एप्पल एंड पीच में। आर यू गेटिंग ऑन नोट? तो डोरमेंट इम्ब्रियो का मतलब क्या है? इमेच्योर इम्ब्रियो इन राइप सीड। सही, सीड राइप है लेकिन इमेच्योर इम्ब्रियो है। तो इम्ब्रियो जब तक इमेच्योर रहेगा, मेच्योर नहीं होगा, तब तक वो डोरमेंसी रहेगी, और इस कंडीशन को आप डोरमेंसी ऑफ इम्ब्रियो भी बोलते हैं। तो ऐसे केस में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इसके एग्जाम्पल में आपको बताया, तो इसका एग्जाम्पल है एप्पल पीच। तो ऐसी कंडीशन में डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इनको लोअर टेम्परेचर पे रखा जाता है। लोअर टेम्परेचर पे एप्पल और पीच के इम्ब्रियो जो है मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद जर्मिनेशन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इनको आप क्या करेंगे, इनको जो है कैप्ड एट लोअर टेम्परेचर पे रख दीजिए। सीड्स बिकम इम्ब्रियो जो होंगे उनके इम्ब्रियो जो है वो बिकम एक्टिव, उनके इम्ब्रियो जो है एक्टिव हो जाएंगे अगर आप उसको लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं। तो एग्जैक्टली डोज ऑफ डोरमेंट इम्ब्रियो के केस में ऐसा करते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं, नेक्स्ट इज जर्मिनेशन इनिबिटर्स क्या है? अगर जर्मिनेशन इनिबिटर्स की बात करें तो व्हाट आर दी जर्मिनेशन इनिबिटर्स? तो कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जब तक वो केमिकल्स रहेंगे तब तक सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। ऐसे केमिकल्स को जर्मिनेशन इनिबिटर्स कहा जाता है, और ये जर्मिनेशन इनिबिटर्स डोरमेंसी ऑफ सीड को प्रमोट करते हैं, सीड को जर्मिनेशन नहीं, सीड का जर्मिनेशन नहीं होने देते। इनके मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ आपको, जैसे फेरुलिक एसिड। ये फेरुलिक एसिड जर्मिनेशन इनिबिटर है। ये किसमें प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है टोमेटो में। किसमें? टोमेटो में प्रेजेंट होता है ये जर्मिनेशन इनिबिटर। ऐसे और भी होते हैं हमारे पास, एस्कोर्बिक एसिड भी जर्मिनेशन इनिबिटर का काम करता है। सॉरी, एब्सिसिक एसिड, नॉट एस्कोर्बिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भी जर्मिनेशन इनिबिटर का काम करता है। इसके अलावा पैरा एस्कोर्बिक एसिड, PAA, यानी कि पैरा एस्कोर्बिक एसिड, ये भी जर्मिनेशन इनिबिटर का काम करता है। पैरा एस्कोर्बिक एसिड। तो इन इनिबिटर्स को रिमूव करने के लिए प्लांट्स में जनरली लीचिंग की जाती है। लीचिंग का मतलब होता है कि पानी डाल के केमिकल्स को बहा दिया जाता है, यानी उन सीड्स के ऊपर पानी डाला जाता है और पानी से केमिकल वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और फिर सीड्स बिकम एबल टू जर्मिनेट। तो इनके इस कंडीशन के लिए आप लीचिंग करते हैं। लीचिंग मतलब वॉश विद वाटर, सीड्स शुड बी वॉश विद वाटर। तो पानी के साथ वॉश कर दीजिए सीड को, लीचिंग इज द मेथड, राइट, जिससे कि आप सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा, दिस इज ऑल अबाउट सीड डोरमेंसी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ फ्रूट्स की। फ्रूट्स को वैसे आई ऑलरेडी डिस्कस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन 11th क्लास, राइट। तो फिर भी एक बार मैं फ्रूट्स का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन है इस चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। ध्यान दीजिए प्लीज, फ्रूट्स पता ही है आपको क्या होते हैं। फ्रूट्स जो है ये फर्टिलाइज ओवरी होती है। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फर्टिलाइज्ड ओवरी को आप फ्रूट्स कहते हैं, राइट। ओवरी बिकम्स फ्लैसी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जिसको आप फ्रूट कहते हैं। फ्रूट्स बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, मेनली थ्री टाइप्स के फ्रूट्स हैं यहाँ पे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो कि ओवरी से नहीं डेवलप होते हैं, ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से, लाइक थैलेमस से डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा एप्पल, एप्पल में जो फ्लैसी पार्ट आप खाते हैं वो थैलेमस है। तो इफ फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी दैट वी कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। सॉरी, मैं ट्रू फ्रूट में बोल गया उसको, लेकिन ये फॉल्स फ्रूट है। इफ फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी दैट वी कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, एंड फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी दैट वी कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। तो जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो डेवलप होते हैं ओवरी से, लेकिन फॉल्स फ्रूट जो होते हैं अदर देन ओवरी लाइक थैलेमस से डेवलप हो जाते हैं, एप्पल वगैरह में। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब यह है फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप
विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ट्रू फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से डेवलप नहीं होता, थैलेमस वगैरह या किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होता है, इसका एग्जांपल एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैस्यू नट है। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैस्यू नट है, ये सब क्या है? कैस्यू नट किसका एग्जाम्पल है? फॉल्स फ्रूट का। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल में आता है बनाना एंड ग्रेप्स। तो इसी के साथ फ्रूट इज डन, और फ्रूट इज डन इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी डन, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा डन हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर हमने पूरा करा दिया है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, राइट, और असाइनमेंट्स पढ़ लेना, क्वेश्चंस कर लेना, राइट, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा चैप्टर में कुछ नहीं आता। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जितना भी मैंने पोर्शन कराया उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ नहीं, मोस्टली क्वेश्चन उसी से मिलेंगे आपको, गलती से मैंने कुछ ना कुछ बोल दिया, तो अधिकतर क्वेश्चन आपको उसी से मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।